तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के हम लोगों ने बेसिक लेक्चर कर रहे हैं। बेसिक लेक्चर से मतलब ये है कि साइमल्टेनियस में हम लोगों को दो इक्वेशन दी जाती थी, दोनों में एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी होती थी। तो उसको हम लोगों ने दो तीन तीन मेथड से बेसिकली तीन मेथड हमारे पास होते थे, और उन तीन मेथड से कोई भी मेथड से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते थे, कोई भी मेथड आप यूज़ करके। ठीक है, तो 5 या 6 पार्ट में उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर साइमल्टेनियस का कॉन्सेप्ट पक्का है तो आज हम लोग उसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम को समझने से पहले साइमल्टेनियस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो वर्ड प्रॉब्लम में फिर दिक्कत ही क्या है ना? बस वर्ड प्रॉब्लम में हमें करना क्या होता है इसमें, कि आपको एक स्टोरी लाइन दी होगी, उस स्टोरी को साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। थोड़ा सा ट्रिकी तो होता ही है खैर, लेकिन एक बार कन्वर्ट कर लिया, बाद में जैसे साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। तो हम लोग क्या सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन मतलब ये जो स्टोरी है उसका इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही सीखेंगे, क्योंकि उस इक्वेशन को फिर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती वो तो हमें पता ही है। तो वो फिर वापस से सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर आगे आप लोग कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 5। कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर है कोई, दो डिजिट का कोई नंबर है, उन दोनों डिजिट का सम है 5। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि दो एक नंबर है 41, समझो हाँ 41 ये दो डिजिट का नंबर है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों डिजिट को सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे, सम मतलब प्लस करना, तो 5 आया कि नहीं आया। अब वो 41 है, अब वो 23 है, अब वो 114 है, क्योंकि सभी का सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये तो हमें नहीं पता है ना, हो सकता हो 50 हो, 5 + 0 भी, 5 + 0 भी 5 आ जाएगा, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि बोला गया है कि दो डिजिट का नंबर है कोई, उसका सम क्या है 5 है, उन दो डिजिट को हम लोग लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई। लेट एक्स एंड वाई आर टू डिजिट, लेट एक्स एंड वाई आर दी डिजिट्स, ओके, एक्स एंड वाई आर दी डिजिट, और उनका जो सम है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कह रहे दोनों डिजिट का जो सम है वो 5 है। चलो ठीक है, बाद में बोला गया कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस बाई 27। कह रहे हैं कि यही दोनों डिजिट को हम रिवर्स कर दें, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक्स प्लस वाई क्या था, 5 था, ठीक है, कह रहे दो डिजिट का सम 5 है, कह रहे इस दोनों डिजिट को हम रिवर्स कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक नंबर है 23 है, 23 एक नंबर है, तो 2 + 3 से क्या बनेगा, अगर यही दोनों को हम प्लस करें क्या बनेगा, 5 बनेगा, 2 + 3 5 बनेगा, है ना, दोनों को सम करें। तो कह रहे कि वही यही नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब 23 को हम 32 कर दें, तो जो नया नंबर होगा वो 27 नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो खैर बड़ा हो रहा है, यहाँ कितना बड़ा हो रहा है, 23 का 32 करने में बड़ा कितना नंबर हो रहा है, 11 नंबर, 9 नंबर बड़ा हो रहा है ना। 23 से हम 32 कर रहे हैं तो 9 नंबर बड़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें 23 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इन एक्स और वाई, कभी भी अगर दो डिजिट नंबर हमें लिखना होता है तो हम इस तरह लिखते हैं 10x + y। कैसे था 10x + y, देखो अगर मुझे 23 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 10x का मतलब 2 मैंने बताया ना, एक्स 2 है वाई 3 है, तो 10 × 2 + y क्या है 3 है, वाई 3, तो 10 × 2 20 + 3 23 हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी अगर हमें दो डिजिट नंबर लिखना होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो वही यही कह रहा है कि अगर नंबर तुम्हारा ऐसे है 10x + y है, तो नया नंबर जो बनेगा 10y + x, कह रहा है कि 10x + y को हमने क्या बना दिया, 23 को 32,
भाई 23 बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 इंटू एक्स प्लस वाई किया है ना, एक्स का मतलब 2, वाई का मतलब 3, एक्स का मतलब 2, वाई का मतलब 3। अगर 32 करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं 10 वाई प्लस एक्स करूंगा। देखो वाई का मतलब 3 था तो 10 इंटू 3, एक्स का मतलब 2 था ना, देखो ना एक्स का मतलब 2 था ना, तो एक्स मतलब 2, देखो 30 प्लस 2 32 हुआ कि नहीं। तो नंबर को रिवर्स करोगे तो 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो कह रहा है 10x+y, अगर कोई नंबर ऐसे है उसको रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 27 नंबर छोटा हो जाएगा, तो -27 हो जाएगा। अगर इस नंबर को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर से, ठीक है ना। देखो बात समझो क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने 32 23 का लिया मैंने, अगर मैं 32 को मैं कर दूं 23, अगर मैं 32 को 23 कर दूं तो जो नया नंबर मिलेगा दोनों में कितना फर्क आ गया, दोनों में 9 का फर्क आ गया, तो यहां पे मुझे +9 करना पड़ेगा है ना। 32 23 करेंगे तो +9, क्योंकि 23 प्लस 9 करेंगे तभी 32 आएगा, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता ना कि ये 23 है कि ये 32 है कि ये 32 है 23। अब यहाँ -27 करो या +27 करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमने ऐसे लिखा है कैसे लिखा है। हो सकता हम ऐसे लिख रहे हो, तो 23 यहाँ मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 32 लिख रहा हूँ, तो मैं +9 यहाँ पे कर रहा हूँ, +9 वहां जाके -9 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। +27 करो -27 करो, क्योंकि 10x+y हमारा 32 भी हो सकता है या 23 भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं। तो आप -27 प्लस तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करो, सबको वन साइड करो, एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो होता है, ठीक है। 10y इधर आके -y हो जाएगा और x इधर आके -x हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 27। एक काम करो आप +27 ही कर लो, चलो क्यों माइनस की टेंशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल इस इक्वेशन में। 10x-6 कितना हुआ, 9x हुआ। +y -10y कितना हुआ, माइनस का 9y हुआ, इज इक्वल टू 27। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन तो पहले दिया था, 2 डिजिट का जो सम था वो 5 था, ये तो पहले बोला गया था 2 डिजिट का सम कितना है, 5 है। बाद में कहने लगा कि उस नंबर को, उस नंबर का मतलब क्या हुआ, 10x+y, 10x+y को अगर हम 10y+, ये 10x+y कैसे हुआ, मैंने बता दिया कि 32 मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 10 करके लिखूंगा, +2 लिखूंगा है ना, 3 इंटू 10 मतलब 10x, +y मतलब +2 है ना। तो वही कि वो जो 2 डिजिट का नंबर है, अब वो 2 डिजिट का नंबर x+y नहीं ले सकते, 10x+y लेना पड़ेगा। ये डिजिट को हमने अलग अलग कर दिया था, x अलग y अलग अलग, और उन दोनों का सम 5 था, जैसे 32 को 3 प्लस 2 कर दिया था। लेकिन अगर मैं 32 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 10 प्लस 2, 3 इंटू 10 30 प्लस 2, ठीक है 32। तो यही क्या, 10x+y इज इक्वल टू 10y+a, रिवर्स डिजिट को रिवर्स कर दिया, नंबर को रिवर्स कर दिया, और उन दोनों में फर्क कितना आ गया, 27 का फर्क आ गया, तो +27 कर दिया। सबको इधर लेकर आ गए, थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, मतलब 2 इक्वेशन आ गई ना, एक इक्वेशन आई x+y इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन आई 10x 10x की 9x 9x+-9y, 9x-9y इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब क्या मैं ये सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, यही सब तो पूरा 5 6 लेक्चर में कि यही क्या है, यही तो सिखाए कि एक्स वाई कैसे निकालते हैं। तो यहां से एक्स वाई निकाल लेना, एक्स जो भी आ जाएगा वो एक डिजिट हो जाएगी, वाई जो भी आ जाएगा वो एक डिजिट हो जाएगी। बाद में क्या करना, 10x+y करना, 10x में जो भी आ गया है वो एक्स में नंबर लिख लेना, +y में जो भी आ गया वो नंबर प्लस कर देना, 10 इंटू वो एक्स मल्टीप्लाई करके वो नंबर वाई का जो भी, जैसे कि एक्स में आया समझो 5 आ गया, समझो 5 आ गया, वाई में समझो आ गया 3, तो क्या करो 10x+y, 10 इंटू 5 50 और +3 53, तो एक डिजिट आ गया 53, और यही डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है एक्स वाई कुछ अलग नंबर आए, ठीक है ना, तो ये तो नंबर आएगा नहीं, क्योंकि 28 का फर्क, 27 का फर्क है ही नहीं दोनों के नंबर में, इस दोनों नंबर 18 का फर्क है, बोला गया 27 तो कुछ अलग नंबर आएगा, खैर
वो तो एक्स पाई निकाल लो, एक्स पाई आपको निकालना आना चाहिए, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। तो इस तरीके से दो इक्वेशन तुम्हें दी जाएंगी इन स्टोरी लाइन। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ डिजिट, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7। तो सम किसका करना है, डिजिट का करना है। तो दो डिजिट, एक डिजिट को एक, दूसरा डिजिट को वाई मान लेना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। थोड़ा सा ये दे देना, लेट फर्स्ट डिजिट इज एक्स एंड सेकेंड डिजिट इज वाई, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देना। तो एक इक्वेशन तो भाई हमारी तैयार है। दूसरे क्वेश्चन दिमाग लगाना देखो, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर डिक्रीज बाई 2। ठीक है, अगर डिजिट को रिवर्स कर दें तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 7, और 2 छोटा हो जाएगा, नया नंबर 2 छोटा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ओरिजिनल नंबर से। देखो, माना कि वो जो दो डिजिट नंबर है वो 10x प्लस वाई है। अगर इस 10x प्लस वाई को रिवर्स कर दें, 10y प्लस एक्स कर दें, 10y प्लस एक्स कर दें, तो ये जो नंबर है ये नंबर 2 छोटा हो जाएगा, डिक्रीज बाई 2। तो नंबर कौन सा छोटा हुआ, रिवर्स करने वाला नंबर छोटा हुआ। नंबर कौन सा छोटा हुआ, रिवर्स करने वाला छोटा हुआ। जो छोटा होता है वहां पे प्लस 2 लगा देंगे, बात समझना। छोटा कौन सा नंबर हुआ, ये वाला, तो यहां ना प्लस 2 लगा देना। सोचो, आप ये सोचो, अरे ये नंबर तो ये छोटा है तो प्लस 2 यहां क्यों लगाएंगे। अरे भाई देखो, जैसे एक नंबर 32 है, कह रहा है कि एक नंबर 30 है, ठीक है, कह रहे ये 30 नंबर 32 से 2 छोटा है, ये 30 नंबर 32 छोटा है, तो प्लस 2 कहाँ लगाएंगे, इधर की इधर। तो जो छोटा है वहीं तो लगाएंगे प्लस 2, तभी तो बैलेंस होगा 32 32, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो जो नंबर छोटा है वहां भी प्लस 2 लगाएंगे। तो पहले मेरा ओरिजिनल नंबर ये था, ये नंबर कैसे आया 10x प्लस वाई, इससे पहले मैंने भी बताया है कि कोई नंबर अगर 32 है तो 32 मैं कैसे लिखूंगा, बोलो 10x मतलब 10 इंटू 3 प्लस वाई मतलब प्लस 2। देखो 10 इंटू 3 30 प्लस 2 32 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। रिवर्स करने पर 10y प्लस एक्स, एक्स तुम्हारा क्या था 3 था, वाई क्या था 2 था। अगर हम 10y प्लस एक्स कर देंगे तो 10 इंटू वाई 20, क्योंकि वाई 2 है, प्लस 3 23 हुआ कि नहीं हुआ, 32 का 23 हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह अगर एक नंबर 10x प्लस वाई है तो दूसरा नंबर 10y प्लस एक्स रिवर्स करने पर, कह रहा है कि रिवर्स कर देंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो कौन छोटा हुआ, ये छोटा हुआ। तो 2 प्लस कहाँ करोगे, यहाँ करोगे, जैसे 32 और 30 में, 32 30 में कौन छोटा था, 30 छोटा था, तो प्लस 2 कहाँ करेंगे जो छोटा है, ठीक है ना। तो वही बात है, ये छोटा है तो प्लस 2 यहाँ करेंगे। कह रहा बाद में ये नंबर ट्वाइस हुआ जा रहा है, कह रहा पहला ये नंबर क्या करे छोटा था, जब ये नंबर छोटा था तो हमने प्लस 2 कर दिया, प्लस 2 से छोटा था प्लस 2। कह रहे ये नंबर आगे देखो पढ़ो, द न्यू नंबर डिक्रीज बाई 2 इक्वल ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, मतलब 2 छोटा हुआ तो प्लस 2 कर दिया और ट्वाइस हो गया, ओरिजिनल नंबर से क्या हो गया, डबल हो गया। तो ओरिजिनल नंबर ये था और इस ये वाला डबल हो गया, इससे डबल कौन हुआ कि ये डबल, कह रहा है नया नंबर हो गया, नया नंबर ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस हो गया डबल हो गया, ट्वाइस मतलब डबल मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहां नहीं करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 यहां करोगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये डबल हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 यहां करोगे, अगर 2 ये छोटा हो रहा है तो माइनस 2 इस नंबर को करोगे, तो माइनस 2 क्या हो गया, प्लस 2 इधर हो गया आकर, माइनस 2 क्या हो गया, प्लस 2 इधर हो गया आगे। तो जो छोटा होता है उसको प्लस करते हैं, छोटा मतलब प्लस माइनस से छोटा, ठीक है। और जो ट्वाइस यानी डबल होता है तो डबल इसमें नहीं करेंगे, डबल इससे करेंगे। जैसे हमने बोला 30 और 15 में कौन सा नंबर ट्वाइस है, हमने बोला कि नया जो नंबर है, जो नया नंबर 15 आया वो क्या कह रहा है, 30 से ट्वाइस है। 15 नंबर किससे ट्वाइस है, 30 से नए नंबर से ट्वाइस है, डबल है। तो 2 इंटू 2 कहां करोगे, कौन सा नंबर ट्वाइस है, ये नंबर ट्वाइस है कि नहीं है, 15 और 30 में कौन सा नंबर ट्वाइस लग रहा है तुम्हें, ये नंबर ट्वाइस लग रहा है, डबल लग रहा है। तो इंटू 2 कहां करोगे, जो ट्वाइस पहले से वहां करोगे कि दूसरी तरफ करोगे, भाई दूसरी तरफ करोगे ना इंटू 2, तभी 30 30 होगा। वैसे एक नंबर मेरे पास ये था, एक नंबर मेरे पास ये था, कौन सा ट्वाइस था, नया नंबर ट्वाइस था, नया नंबर कौन सा, ये वाला।
अगर ये ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई टू यहां करोगे, अगर ये ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई टू यहां करोगे, भाई ये लॉजिक लगा के रखना हमेशा, ये लगा के रखना, ठीक है। अगर नंबर छोटे बड़े में कौन सा नंबर दो छोटा था, ये नंबर दो छोटा था, ये नंबर छोटा था, दो नया वाला नंबर दो छोटा था, ये नया नंबर है रिवर्स करने के बाद, ये नंबर दो छोटा था तो माइनस टू किस में करेंगे, इसमें कि इसमें, माइनस टू यहाँ करोगे, माइनस टू यहाँ किया तो प्लस टू इधर हो गया, आ गया, समझिए। उल्टा उल्टा इफेक्ट देना है, उल्टा इफेक्ट दोगे भाई वही लॉजिक रखना है उल्टा इफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू करना था क्योंकि नंबर ये छोटा था, तो माइनस टू यहाँ करेंगे तो माइनस टू यहाँ इधर आके प्लस टू हो जाएगा, बस। 10 × 2 28, 2 × y 2y 2 से मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट से ना मल्टीप्लाई करना है, ये सब भाई अलजबरा और लीनियर इक्वेशन तो 1 से 1% पक्का होना चाहिए, है ना। एक इक्वेशन आ चुकी है हमारी पहले ही, अब एक्स एक्स को एक साइड ले लो, वाई वाई को एक साइड ले लो, तो 20x से माइनस एक गया, माइनस 19x बचा, 2y से माइनस 10y गया, तो माइनस का 8y बचा, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों को तुम क्या करोगे, साइमल्टेनियस मार लोगे, साइमल्टेनियस मारना हम नहीं सिखाएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 19x माइनस 9 8y इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, देखो प्लस माइनस वाई में, तो वाई को ही तुम क्या करो 8y बदल लो, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, ये सब चीज़ें भाई हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब तुम्हें खुद करना था। तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 56, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 56, क्योंकि 8x से मल्टीप्लाई किया, और नीचे 19x माइनस 8y प्लस 2, 19x माइनस 8y इज इक्वल टू 2, बाई एडिंग कर दो क्योंकि पहले से प्लस माइनस है, क्या ही दिक्कत है। 8 और 9 कितना हुआ, 8 और 9 कितना हुआ, 27x। 56 प्लस 2 कितना हुआ, 56 ही था ना, ये 7 8 57 8 56, 58 हो रहा है ना, 58 हो रहा है, 54 हो रहा है, चेक कर लो। डिक्रीज बाई तो माइनस यहाँ लगा लोगे, डिक्रीज बाई 2 है ना, यहाँ माइनस लगा लोगे, तो 56 या 54 हुआ, 54 डिवाइड बाई 27, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स 2 आ गया। अब क्या करो, इजी वाली इक्वेशन ये लग रही है, इसमें एक्स की वैल्यू डालो, निकाल लो 8 × 2 प्लस 8y, वाई की वैल्यू निकाल लो 16, 56 इधर जाके 16 से माइनस, 16 माइनस हो जाएगा 8y, 56 माइनस 16 50 हो गया, 56 माइनस 6 40 हो गया, 8 आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। तो दो डिजिट थे एक्स वाई, एक्स है 2, दो डिजिट है एक्स और वाई, एक्स कितना आया ऐसे कर लो, 10x प्लस वाई, यही नंबर था ना ओरिजिनल, तो 10 × 2 प्लस 5 20 प्लस 5 25, बस एक्स वाई 25 आ गई, दो डिजिट में से पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, तो 25 हो गया आंसर, आई बस समझ। इस तरीके से किया जाता है, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे और इजी तरीके समझाने की। 15 देखो, द 10 डिजिट ऑफ टू, द 10 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द यूनिट डिजिट। देखो दो डिजिट हैं, फर्स्ट डिजिट मान लिया तुमने दो डिजिट नंबर एक्स, और सेकेंड डिजिट मान लिया वाई, ठीक है ना, ये दो डिजिट नंबर मान लिया, एक एक्स एक वाई लेते हैं हम लोग। कह रहे द 10 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, 10th डिजिट क्या होगा एक्स प्लस वाई में, अगर ये वाला यूनिट डिजिट है तो ये वाला 10 डिजिट हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट, ठीक है, जैसे 23 है तो 2 वाला क्या हो गया, 10 डिजिट हो गया, 10th में आ गया, 3 वाला यूनिट में आ गया, तो वही हो गया एक्स और वाई का भी कहानी। तो द 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम, जो 10th डिजिट है यानी एक्स जो है, एक्स में हमने 10th लिया हुआ है, 1's 10th, तो एक्स जो है 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम ऑफ द यूनिट डिजिट, तो 3 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है ना, ये हो गया, समझ गया ना, जैसे कि ये हो गया 1's, ये हो गया 10th, अगर यूनिट हम लोग पढ़ते हैं करेक्ट, 10th वाली डिजिट जो है नंबर, 10th वाले डिजिट के जो नंबर है वो
वो वंस वाले डिजिट का 3 टाइम ज्यादा है, तो एक्स इज इक्वल 3 वाई, यही तो होगा। आगे लिखा हुआ, इफ द सम ऑफ नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32, कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट का अगर नंबर है तो 2 डिजिट नंबर कैसे लेते हैं हम लोग, 10x+y, ये इसे बोलते हैं नंबर, 2 डिजिट का नंबर। कह रहा है इस नंबर को, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ किसका सम करना है, द नंबर एंड द यूनिट डिजिट। द नंबर क्या है, 10x+y, ये नंबर है, और यूनिट डिजिट कह रहा है कि एंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने क्या लिया था, एक्स को 10 डिजिट लिया था, वाई को हमने यूनिट डिजिट लिया था, यही लिया था ना वाई को ने, तो प्लस यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, वाई है, तो 10x+y, अगेन वाई, ये तो नंबर हो गया ना। अरे बाबा, जैसे 23 प्लस, मतलब इस नंबर का प्लस इसकी यूनिट डिजिट का सम, तो यूनिट डिजिट 3 है ना, +3 इज इक्वल टू कह रहा 26। कह रहा है कि इस नंबर का यानी 23 का और इस नंबर में जो पहला वाला डिजिट है दैट इज 3, इन दोनों को सम, पहले क्या कर रहे थे, 2 डिजिट का सम कर रहे थे, पहले क्या कर, 2 डिजिट में 2+3 कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, उस नंबर का और यूनिट डिजिट का हम सम कर रहे हैं। तो नंबर क्या 10x+y, यूनिट डिजिट क्या माना था, एक्स को 10 डिजिट माना था, एक्स क्या था 10 डिजिट था, वाई क्या था यूनिट डिजिट था, तभी तो कह रहा था 10 डिजिट किसके बराबर है, यूनिट डिजिट के 3 टाइम बराबर है, यूनिट डिजिट तो यूनिट वाई है, तो 10x+y ये नंबर हो गया, नंबर प्लस वाई क्या है यूनिट डिजिट, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है, 32 है। अब आई बात समझ में, देखो द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, द नंबर दिस इज नंबर एंड यूनिट डिजिट दैट इज वाई, इज 32, तो वाई प्लस वाई 2 वाई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू 32। तो एक तो इक्वेशन तुम्हारी ये थी एक्स इज इक्वल 3 वाई, तो एक्स इज इक्वल 3 वाई, 3 वाई इधर आएगा तो -3 वाई, यहाँ बचेगा 0, तो एक इक्वेशन ये एक्स -3 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक इक्वेशन अभी बना ली, 2 इक्वेशन हो गई, मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाले को, नहीं चलो 10 से कर लो, 10x तो हो जाएगा, ये 30y हो जाएगा, ये 0 के 0 रहेगा क्योंकि 10 × 0 0, बाई बाई सब्ट्रैक्टिंग कर लो, क्योंकि हमें 10x तो क्या कराना है, माइनस कराना है, प्लस 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 हो जाएगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, तो वाला साइन चेंज हो जाएगा, 10 0 छोड़ दो, 0 0 रहेगा, ठीक है, तो 10 में से -10 गया, 2 और +30y हो गया ना भैया, 2 + 30y 32y, नीचे देखो साइन चेंज होता है ना भाई, बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या होते हैं, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 0 की जरूरत नहीं है, इसको 32y इज इक्वल टू 32 डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y 1 आ गया, आ गया। अब x निकाल लो, अब x कहीं से भी निकाल लो, इसी से निकाल लो, x x इज इक्वल 3y था तो 3 × 1 3, तो x आ गया 3, तो x मतलब कौन सी डिजिट थी, 10 से 1, 10 से डिजिट थी, तो ये हो गया 3, और वाई आ गया 1, तो ये हो गया 1 31, एक्स वाई है ना 2 डिजिट, एक्स वाई, एक्स में 3 आया, वाई में 1 आया, 31 हो गया। अब देख लो एक्स क्या है वाई से, यानी 3 क्या है, 1 से 3 टाइम ज्यादा है कि नहीं, 3 क्या है 1 से 3 टाइम ज्यादा है कि नहीं, वाई से 3 टाइम ज्यादा है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई लिया था, देखो एक्स इज इक्वल 3 वाई हुआ ना, क्योंकि एक्स 3 है, वाई 1 है, 3 वाई, यानी एक्स 3 है, वाई 3 वाई है, तो 3 × 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, ये लॉजिक होता है, ऐसे थोड़ा बैठाना पड़ता है लॉजिक वर्ल्ड प्रॉब्लम पे। द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द 10th डिजिट एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2, कह रहे 2 डिजिट का नंबर है, तो नंबर क्या मान लें, 10x+y मान लें, ये नंबर है, इस नंबर में जो 10th डिजिट है, 10 मतलब जो 10th के प्लेस में है वो क्या है, एक्स है ना 10th प्लेस है, और वो यूनिट डिजिट क्या है, वाई है, ये कंफर्म कर लिया अगर पहले ही, अगर 10x+y लिया है तो 10th प्लेस में एक्स हो जाएगा और यूनिट प्लेस में वाई हो जाएगा, ये वाई हो गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से भर लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है इस सेट क्या है जो 10 डिजिट एक्साइड एक्सीड, जो 10वां जो 10 डिजिट वाला नंबर है, 10 डिजिट का नंबर क्या है, एक्स है, जो एक्स है 10 डिजिट का जो नंबर है,
टेंथ डिजिट एक्सीड, मतलब 10 डिजिट, मतलब 10 डिजिट में कौन है, एक्स है ना, तो एक्स कह रहा है एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा है किससे, ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाई टू, ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के ट्वाइस मतलब 2y, यूनिट डिजिट का 2y, और कह रहा है एक्स क्या है एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा कर रहा है, बड़ा हो रहा है, कितने नंबर बड़ा हो रहा है, दो नंबर बड़ा हो रहा है। अगर एक्स नंबर एक्स बड़ा हो रहा है, बड़ा कौन सा हो रहा है, एक्स हो रहा है, प्लस टू कहाँ करेंगे बताओ, यहाँ एक्स में करेंगे वाई में करेंगे, अगर एक्स बड़ा हो रहा है तो प्लस टू यहाँ करेंगे, अगर एक्स बड़ा हो रहा है तो प्लस किसको करेंगे, इसको करेंगे, इस तरफ करेंगे, इधर ना कर देना, जैसे मैंने बताया 32 और 30 में, 32 कह रहा है कि दो नंबर एक्सीड कर रहा है 33 से, 30 से, तो प्लस टू इधर थोड़ा करोगे, इधर ही तो करोगे टू, इसी तरह कह रहा है एक्स वाला दो नंबर एक्सीड कर रहा है वाई ये वाले से, ट्वाइस ऑफ द वाई से, ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट से, तो ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लस टू, ठीक है ना, ये हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, एंड जो एक एक क्वेश्चन आ गई, अब जाके एक क्वेश्चन आई है, ठीक है, बाद में कह रहा है द नंबर ऑफ ट्वेंट, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 5 मोर देन 3 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। अब दूसरा देखो, कह रहे हैं कि इसको हम बदल दें, अगर इंटरचेंज कर दें, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि 10y+x कर दें, तो जो नया नंबर है, मतलब कह रहे हैं कि नंबर को इंटरचेंज, 10x 10y+x कर दें, 10x+y का 10y+x कर दें, तो द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग डिजिट इज, जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, 5 मोर देन 3 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, कह रहा इन दोनों को सम कर दें, दो डिजिट को सम मतलब एक्स प्लस वाई कर दें, तो 5 मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर का मतलब होता है प्लस, 5 मोर हो जाएगा, +5 हो जाएगा, कह रहा कि नया नंबर, नया नंबर 5 मोर हो जाएगा, 5 मोर मतलब ये नंबर 5 ज्यादा हो जाएगा, अगर ये नंबर 5 ज्यादा हो जाएगा, +5 इसमें नहीं इधर करोगे, +5 इधर, लेकिन किससे कंपेयर में, इंटर डिजिट 5 मोर देन 3 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, 3 डिजिट दोनों डिजिट के सम का 3 टाइम, पहले दोनों डिजिट का सम को 3 टाइम 5 मोर करेंगे, ठीक है ना, तो +5 करेंगे, ठीक है ना, 3 टाइम कर दिया, ये दोनों डिजिट के सम का 3 टाइम किया, +5, 5 मोर मतलब होता है प्लस करना, तो 10y+x = 3x+3y+5, वाई वाई एक्स से सब इस तरफ ले लो, 10y-3y+x+3x इधर आके -3x = 5 बचेगा, ये हो गया 7y, ये हो गया -2x = 5, एक इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वेशन थी x-2y = 2, एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रख के साइमल्टेनियस मार देना, ये आपको आना चाहिए, ये हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा तो भाई ट्रिकी रहता ही है, पर थोड़ा तो ट्रिकी रहता ही है, ये थोड़ा तो वर्डिंग देखना पड़ता है, नए नंबर बस ऐसे में जो नया नंबर है उसको कंपेयर करना होता है, कि जो नया नंबर मिलेगा, क्या बोला था, जो नया नंबर मिला इंटरचेंज करने के बाद 10y+x, कह रहा है कि दोनों डिजिट को सम का 5 3 टाइम्स ऑफ 5 ज्यादा है, तो जो बाद में लिया जाता है वो पहले किया जाता है, देखो इंटरचेंजिंग इज 5 मोर देन 3 टाइम, हमेशा देन के बाद जो होता है वो पहले करते हैं, तो 3 टाइम द सम ऑफ द डिजिट x+y का 3 टाइम, फिर पीछे जाओ 5 मोर, फिर पीछे गए 5 मोर, फिर +5 करेंगे, हमेशा उल्टा चला जाता है जब रीडिंग करो वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये आपके डाउट थे जो मैंने बता दिए, इसको 3 बार जब देखोगे कम से कम पक्का, मतलब पक्का आप कर ही लोगे, श्योर है, सॉल्व कर लो।